क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई? कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? कैसे पढ़ लेते हैं बाबा मन की बात? क्या वाकई पंडित धीरेन्द्र के पास है दिव्य ज्ञान? अब तक 30 लाख से ज्यादा लिख चुके हैं पर्चे, लोगों को बता चुके हैं बिना कहे मन की बात। एमपी के छोटे से गांव में जन्मे धीरेन्द्र की दुनिया में हो रही है चर्चा, कहां से आया पर्चे का ज्ञान? बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद है। ये धाम गांव गढ़ा के अंदर आता है। सोशल मीडिया पर जिस तरह इस धाम से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद इस धाम के बारे में हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है और देखना चाहता है कि आखिर इस धाम में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो लोगों के मन की बात को बता देती है। खास तौर से जिस तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की बात पर्चे पर उकेर देते हैं, वो काफी हैरान कर देने वाला है। और आजकल लोग धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में काफी जानना चाहते हैं कि वो कहां से आए, कैसे उन्हें ये दिव्य ज्ञान मिला, और सबसे बड़ी बात जो धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं वो वाकई सच है। आज की इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम के बारे में वो सब बताएंगे जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। बागेश्वर धाम को एक चमत्कारी धाम माना जाता है। यहाँ लगातार निशुल्क भंडारा चलता रहता है। इसके साथ ही यहाँ मंदिर के चढ़ावे से हर साल गरीब कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है। बागेश्वर धाम का इतिहास। बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है। 1986 में गांव के लोगों ने मंदिर का कराया जीर्णोद्धार। गढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर मंदिर पहुंचे। बाबा सेतुलाल मंदिर में रामकथा और झाड़फूंक करते थे। झाड़फूंक और भंडारों के कारण मंदिर की बड़ी लोकप्रियता। ये था मंदिर का इतिहास। अब आपको बताते हैं कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की धाम में एंट्री कैसे हुई और कैसे एमपी से बागेश्वर धाम आज पूरी दुनिया में चर्चित हो गया। सोशल मीडिया के दम पर देश भर में फेमस होने वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंच गांव में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन अपने गांव में ही बिताया। उनका परिवार बेहद गरीब था, इसलिए वो बचपन से सभी तरह की सुख सुविधाओं से वंचित रहे। धीरेन्द्र ने अपने जीवन की शुरुआती शिक्षा अपने दादा से ही प्राप्त की और धीरे धीरे छोटी सी उम्र में धीरेन्द्र आध्यात्म के रास्ते पर चल दिए। कृष्ण शास्त्री ने कई सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे पर लोगों की मन की बात को लिख देते हैं। कई टीवी चैनल्स इस पर अपनी स्टोरी भी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं चल सका कि कैसे धीरेन्द्र मन की बात पढ़ते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात अपने पर्चे पर लिख कर बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या परेशानी है। और ये भी सच है कि कोई शख्स ये भी साबित नहीं कर पाया कि धीरेन्द्र की बातों में झूठ है। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या वाकई बागेश्वर धाम में सब कुछ बालाजी महाराज की कृपा का असर है या फिर कुछ और? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।